वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बदरंग विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी कौल सिंह ठाकुर ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर अपराधियों को पनाह देने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव में फायदा लेने के लिए बाबा राम रहीम को पैरोल पर भेज देती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव में अपराधियों का प्रयोग कर रही है, जबकि कांग्रेस ऐसा कभी नहीं करती। उन्होंने कहा, कांग्रेस के सत्ता में आते ही चार्जशीट पर कार्रवाई करते हुए सीएम जयराम ठाकुर को आईना दिखाया जाएगा। ये भाजपा के लोग क्रिमिनल को पनाह दे रहे हैं, उसको जो है बाबा रहीम को। जब भी कोई इलेक्शन आता है, बाई इलेक्शन आता है हरियाणा में, उसको पैरोल पर भेज दिया जाता है। अपने अनुयायियों को बुलाता है, उनको वोट देने के लिए कहता है। और चाहे बाबा रहीम हो, चाहे दूसरे रामदेव जी हो, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जो क्रिमिनल साधु भी हैं, साधु का हम सम्मान करते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और हाई कोर्ट ने भी कहा, दी है टिप्पणी की, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। तो ये ही एनकरेज कर रहे हैं इनको, हम तो नहीं करते। बाबा रहीम को छोड़ने की क्या जरूरत है? और स्पेशली जब बाई इलेक्शन होता है, तब ये बाबा रहीम को छोड़ देते हैं, तो चुनाव में इस्तेमाल कर रहे हैं क्रिमिनल का, कांग्रेस पार्टी नहीं करती। हमने सबसे ज़्यादा 2012 और 17 में सबसे ज़्यादा रोजगार हमने हिमाचल में दिया है। जयराम तो बड़ा 12 हज़ार लोगों को रोजगार दिया, हमने उस वक्त भी 80 या 85 हज़ार लोगों को रोजगार दिया। मोदी जी पांचवी बार आ रहे हैं और हम उनको कहते हैं, अब क्यों नहीं कराई पटेल में मीटिंग है? तब तो सरकारी लोगों को बुलाया गया, उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को, आंगनबाड़ी वर्कर को, आशा वर्कर को, पंचायत के सेक्रेटरी के, पंचायत के प्रधानों को जबरदस्ती मीटिंग बुलाते। अगर मोदी जी को हिम्मत होती, अब जयराम जी को हिम्मत होती, तो पटेल मैदान में कराते, जैसे हमने पटेल मैदान में श्रीमती प्रियंका गांधी जी की एक सफल रैली हुई है। इसलिए अब तब क्या जरूरत पड़ी उनको बुलाने की? और सेंट्रल मिनिस्टर सारे पहुँचे हुए हैं, उनको पता है कि जमीन पैरों से खिस रही है, सरकार जा रही है, कांग्रेस आ रही है। कूड़े डाल में तो उन्होंने डाली ना चार्जशीट, हम उस पर अमल करेंगे, हमारी सरकार आएगी उस पर अमल करेंगे। कूड़े बांधते हो तो उन्होंने जो हमारे पर चार्जशीट डाली थी वो डाली जयराम ने कूड़े डाल में, क्योंकि कोई साबित नहीं हुआ कुछ। क्योंकि जो भी उन्होंने चार्जशीट लगाई थी उन्हें पूरी छानबीन कराई, मेरे पर भी 3-4 सीटें थी, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की? मैंने चुनौती दी थी उनको कि अगर आया तो FIR दर्ज करो। हमने अपने 40 साल के शासन में ईमानदारी से लोगों की सेवा की है।